फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जिसके कारण अपना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस डाउनलोड नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, 70% लोग ऐसे हैं जिनकी पास ये प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ में ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट करें जिससे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रिलेटेड वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का फॉर्म भरा, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आया, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिजल्ट भी आया, आपका रिजल्ट भी क्लियर हो गया है, यानी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का जो लाइसेंस होता है ना, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उसको आप समझ ही नहीं पाए। मैं इस प्रॉब्लम के बारे में वैसे भी कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता है वो प्रॉब्लम क्या है। मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए एप्लीकेशन अगर देते हैं तो आप एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि जिस भी कंपनी का आप, ठीक है, एक्सपीरियंस लगाते हैं उसी कंपनी का आपको, ठीक है, बिजली का बिल लगाना है। ठीक है, मान लो मेरी कंपनी है माया इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है, ठीक है, तो इसी कंपनी का आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको इसी कंपनी का लगाना है और आपको बिजली का बिल भी इसी कंपनी का लगाना है। जैसे फिर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, मान लो एक कंपनी है अशोक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मान लो आप अशोक इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अशोक इलेक्ट्रिकल का लगाना है, साथ में आपको जो IVRS नंबर होता है, जो बिजली का बिल होता है ना, आपको अशोक इलेक्ट्रिकल का ही लगाना है। बोलने का मतलब ये हो गया, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसी कंपनी का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है और उसी कंपनी का आपको IVRS नंबर यानी बिजली का बिल लगाना है। फ्रेंड्स, अगर बिजली का बिल दूसरी कंपनी का होगा, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दूसरी कंपनी का होगा, तो आपका एप्लीकेशन को कभी कभी वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसी कारण से आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का लाइसेंस भी डाउनलोड नहीं हो रहा है और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम 70% कैंडिडेट के साथ है। ठीक है, आपका सब कुछ क्लियर हो गया है लेकिन फिर भी उनका, ठीक है, लाइसेंस और सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जो भी अगर, ठीक है, पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जिनका एप्लीकेशन नहीं आया है यानी सर्टिफिकेट जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो क्या करिए, ठीक है, उसी कंपनी का बिजली का बिल फिर से अपलोड कर दीजिए, ठीक है, जो भी ईमेल आईडी है उनकी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब आपका सर्टिफिकेट और लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन सेम कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सेम ही कंपनी का IVRS नंबर यानी बिजली का बिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, IVRS नंबर भी उसी कंपनी का लगाना है, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको सेम ही कंपनी का लगाना है। और अगर आपका साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, अगर आपके पास बिजली का बिल मान लो दूसरी कंपनी का है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान लो दूसरी कंपनी का है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है, कई लोग जैसे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, वो नोटरी से भी लिखवा सकते हैं या आप अपने जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है, वो अपने लेटर हेड में लिख देंगे कि मैं क्या बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इधर इधर का है, ठीक है, लेकिन मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर मैं काम करता हूँ तो इसीलिए मैंने बिजली का बिल इस कंपनी का लगाया है। तो क्या है, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड अगर कर देंगे ना, ठीक है, उनके ईमेल आईडी पे, ठीक, तो वो यानी उनको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा यानी प्रॉब्लम थी इसीलिए आपने बिजली का बिल लगाया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं अगर, ठीक है, तो आपको प्रशिक्षु प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। आप लोग ने अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसमें ये है, ठीक है, कंपनी के अंदर काम करते हैं तो प्रशिक्षु प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं तो प्रशिक्षु प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका जो एप्लीकेशन है यानी सॉरी आपका जो लाइसेंस है और सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा था।
ठीक है, वो इसीलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था, आपने दोनों कंपनी का अलग अलग लगाया था, ठीक है, कंपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूसरी कंपनी का, आईवीएस नंबर दूसरी कंपनी का, ये आपने लगाया नहीं था। अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो आप या आपने एप्लीकेशन यानी पहली बार अगर आपने भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, जिस भी कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे उसी कंपनी का आपको आईवीआरएस नंबर यानी बिजली का बिल लगाना है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम जा सकती है। भलाई आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो, ठीक है, वो आपका अपने आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी और इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस वाले आइकन को प्रेस करके, और फ्रेंड्स इस वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करना, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रिलेटेड, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।